आज स्थानीय श्री शिव मंदिर ब्लॉक 13 श्री झूलेलाल पार्क गोविंद नगर कानपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में ये प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि 22 जनवरी को किया जाना है उसको हर्षोल्लास व बड़ी धूमधाम के साथ मनाने हेतु की जा रही है। तैयारियों के बारे में जनमानस को अवगत कराने के लिए किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री श्यामलाल मूलचंदानी जी ने बताया कि हमारा संपूर्ण सिंधी समाज भगवान श्री राम जी के प्रति गहन आस्था रखता है। 500 वर्ष पश्चात हम सभी के इष्ट देव भगवान राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन अयोध्या धाम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के समर्पण से ही संभव हो पाया। इस शुभ दिन को हम सभी दीपावली की तरह मनाएंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्यामलाल मूलचंदानी, लक्ष्मण दास, बलराम कटारिया, किशन वाधवानी, पूरन बजाज सूरज कटारिया, बंटी सिंघवानी, रमेश सिंघवानी, राजकुमार डाबरानी, शंकर आहूजा, महेश लालवानी, हरीश आहूजा, मुरारी लाल चुग आदि का विशेष रूप से सहयोग रहा। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं श्यामलाल मूलचंदानी, अध्यक्ष सिद्धी पंचायत श्री झूलेलाल शिव मंदिर श्री झूलेलाल पार्क गोविंदर कानपुर, आज आगामी 22 जनवरी को जो पर्व राष्ट्र का मनाया जा रहा, हमारा तो मना पूरे विश्व के लिए पर्व का दिन है। जो हम लोगों ने बचपन में छोटे छोटे थे, रामलीला देखने जाते, भगवान श्री राम की कथा सुना करते थे, रामायण सुना करते थे, और जो कभी हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम लोग का मंदिर भी अयोध्या में दोबारा अरे भगवान श्री रामलीला इस भव्य रूप में भी स्थापित होंगे, वो हम लोग के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री और हम लोग के सीएम साहब उन लोगों के अथक प्रयासों से आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की स्थापना हो, ये पूरे समाज के लिए सनातनियों के लिए बड़े गर्व की बात है। जो हमने सोचा नहीं था वो काम हो रहा है। इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं और इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने हजारों झंडे मंगाए, दीपक मंगाए, हर घर में जाकर के 22 जनवरी के लिए निमंत्रण देंगे कि श्री राम जी का ध्वज अपने घर के बाहर लगाइए और शाम को दिवाली का माहौल बनाइए, दीपक जरूर जलाइए, 5-5 दीपक साथ में हम लोग दे रहे हैं। और उस दिन पूरा दिन मंदिर प्रांगण में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। बाहर श्री राम जी का बाहर श्री राम जी कटआउट के साथ में अयोध्या मंदिर कटआउट बनवा रहे हैं हम लोग, और पूरा दिन मंदिर प्रांगण के बाहर भंडारा चलता रहेगा। पूरे मंदिर का स्वरूप बहुत सुंदर सा सजाया जाएगा, बाहर आकर्षक झांकी होगी, अंदर का माहौल क्या पूरा भारत पूरा विश्व भारत में होगा, भारत के पूरे विश्व श्री राममय होगा।